हेलो एवरीवन, सुधा कम्मा सॉरी शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एड प्रथम वर्ग शिक्षण विषय संस्कृत अर्थात टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ संस्कृत यूनिट फर्स्ट रोल ऑफ लैंग्वेज भाषा की भूमिका के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड सोसाइटी भाषा और समाज। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम भाषा के विषय में देखना चाहेंगे क्योंकि भाषा और समाज दोनों के विषय में प्रकाश डालना है, लेकिन पहले हमें भाषा के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए या फिर विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस सार्थक ध्वनि या फिर जिस सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है वही भाषा है। भाषा ही एक ऐसी जीवन ज्योति है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करती है। यदि मनुष्य के पास भाषा रूपी दिव्यास्त्र न होता तो मनुष्य भी पशु पक्षियों की तरह अपने भावों को प्रकट करने में असमर्थ होता। आचार्य दंडी के मत में भाषा रूपी दिव्य ज्योति के प्रकाश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। यदि यह ज्योति न होती तो संपूर्ण जगत अंधकार में विलीन हो जाता। इदम अंधतमः चतरस्नम जायेत भुवन स्त्रियम यदि शब्द एयम ज्योति रास्ताराम न जीव्यते। ये काव्य रस में दिया गया श्लोक है। इस भाषा रूपी दिव्य ज्योति के द्वारा ही मनुष्य इस जगत का सर्वोत्तम प्राणी माना जाता है। अपनी भाषा के द्वारा ही मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अनादिकाल से अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। ऋग्वेद के अनुसार वाक तत्व या भाषा ही वह दिव्य ज्योति है जो मनुष्य को ऋषि देवता या विद्वान बनाती है। अहमेव स्वयमिदं ददामि विश्वं देवे विदुषा मनुष्य ही इयं कामये तं समुग्रहं प्रणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुनिधम। इसी के साथ हम देखेंगे भाषा का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्या अर्थ है। भाषा वह है जिसे बोला जाए, क्योंकि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। विभिन्न भाषाविदों ने भाषा की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं और जिनसे की यही अर्थ निकल कर आता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में भाषा की परिभाषाएं कौन कौन सी डेफिनेशन विद्वानों ने दी हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा। इन्होंने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। दूसरी परिभाषा देख रहे हैं डॉक्टर बाबू राम सक्सेना की मत में, भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है। नेक्स्ट परिभाषा डेफिनेशन देख रहे हैं हम प्लेटो के अनुसार, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक यानी कि जिसमें ध्वनि नहीं होती बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होटों पर प्रकट होती है उसे भाषा कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे हेनरी स्वीट के शब्दों में, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। लैंग्वेज में भी डिफाइंड द एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे वेनरिए ये शब्दों में, इन्होंने लिखा है कि भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत का अर्थ है उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राह, कर्णग्राह और स्पर्शग्राह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम महर्षि पतंजलि की, इन्होंने लिखा है व्यक्ता वाची वर्णः ईशा
तो इन्हीं व्यक्त वाचा अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट रूप से समझ सकता है। महर्षि पतंजलि ने ये परिभाषा महाभाष्य में दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे ब्लॉक तथा ट्रैगर के शब्दों में। इन्होंने लिखा है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्बिटरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषाएं दी हैं, जिसका अर्थ यही निकलता है कि भाषा वह है जिसे बोला जाए, क्योंकि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा धातु से हुई है और जिसका अर्थ है बोलना या कहना। और भाषा ऐसी होनी चाहिए यानी कि जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं सामने वाला व्यक्ति समझ ले और सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ ले, वही भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे भाषा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ विद्वानों के मतानुसार पिता की भाषा पुत्र को मिलती है, अर्थात जिस प्रकार पैतृक संपत्ति का जो है पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार भाषा उसी धरोहर के रूप में मिल जाती है। किंतु ये मत सत्य नहीं होता है। यदि किसी भारतीय व्यक्ति से जन्म के कुछ ही दिन पश्चात पालन पोषण के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाए या किसी ऐसे देश में भेज दिया जाए या कैसे ऐसे परिवार में भेज दिया जाए वहाँ जहाँ पर हिंदी या संस्कृत बोली ही नहीं जाती है, तो वह वही सीखेगा जो वहाँ पर बोली जाती है और अपने माता पिता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को नहीं बोल सकेगा, यानी कि उसको वह नहीं आएगी। वहाँ उसकी मातृभाषा अपनी वही होगी जहाँ पर वह रहता है, जहाँ पर पालक होता गया है। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति रही होती तो बालक वही भाषा बोलता जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है, था वहाँ से वह पैतृक संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट इसका विशेषता के अंतर्गत आ सकता है, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरा से चली आ रही है, व्यक्ति परंपरा तथा समाज से उसका अर्जन करता रहता है, एक व्यक्ति उसे उत्पन्न नहीं कर सकता किंतु वह उसमें परिवर्तन आदि कर सकता है। यदि भाषा का कोई जनक तथा जननी है तो वह परंपरा और समाज कहा जा सकता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, भाषा कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती, अर्थात वह कभी ये कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई भी भाषा का अंतिम रूप है। वस्तुतः भाषा से हमारा अभिप्राय जीवित भाषा में होता है। मृत भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य अंतिम होता है, किंतु जीवित भाषा में ये बात नहीं है। भाषा परिवर्तनशील विकास की प्रक्रिया है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। पहले व्यक्तियों का विचार था कि भाषा वियोग अवस्था से संयोग अवस्था की ओर जाती है, किंतु व्यक्तियों का विचार ये भी था कि भाषा दोनों परिस्थितियों में ऊपर गुजरती है। अब दोनों विचारों में कोई भी तथ्य नहीं रह जाता है, एक अलग ही विचार बन जाता है। भाषा वस्तु का संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। वियोग से तात्पर्य है विकसित होना, जैसे कि मोहना खादति से मोहन खाता है का हो जाना, एक अलग तरह का ही वाक्य बन गया। अतः ये कहा जा सकता है कि संस्कृत से हिंदी वियोग अवस्था हो जाती है और हिंदी से संस्कृत वियोग अवस्था में चली जाती है। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही हो सकता है। वास्तविकता यही है कि भाषा का जन्म समाज में होता है, उसका विकास समाज में होता है तथा उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सभी जानते हैं। इसीलिए उसके विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। समाज में रहते ही अपने कार्यों की पूर्ति कराने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और तोड़ता की ओर जाती है। भाषा शुरू में स्थूल होती है, परंतु धीरे धीरे वह सूक्ष्म भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म तथा अपदौड़ से स्ट्रांग हो जाती है। परंतु ये सभी बातें प्रयोग पर निर्भर करती हैं, यानी कि जैसा यूज होता है प्रयोग होता है वैसे उसी पर निर्भर करती हैं। वर्तमान समय की हिंदी प्राचीन समय की हिंदी की तुलना में सूक्ष्म तथा प्रौढ़ है, परंतु संस्कृत की तुलना में उसे सूक्ष्म तथा प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदी अभी तक अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त और विकसित नहीं हुई है जिनमें संस्कृत आज से हजारों वर्ष पहले विकसित
हो चुकी है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन ये स्पष्ट हो जाता है कि अनुकरण से होता है, बच्चे देखते हैं, सुनते हैं और अनुकरण करके सीख लेते हैं। बच्चों के सामने माँ जिस शब्द का प्रयोग करती है बालक उसको सुनता है और धीरे धीरे उसका विकास हो जाता है, और जब उस चीज की आवश्यकता पड़ती है तो वो स्वतः ही कहने लगता है, यानी कि उस शब्द का प्रयोग करने लगता है। वस्तुतः अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। हम भाषा को अनुकरण के सहारे ही सीखते हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। सत्यता यही है कि मनुष्य न्यूनतम श्रम में महत्तम कार्य करना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के लिए भी उत्तरदायी है। जैसे टेलीविजन को टीवी कहकर ही काम चल जाता है, तो भी टेलीविजन कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट शब्द है, उसको ऐड कहने से ही काम चल जाता है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि शॉर्ट में बोलने से ही काम चल जाता है। वास्तविक शब्द कष्ट साध्य होने के कारण सिर्फ जैसे कि टीवी कहकर काम चला लिया गया। व्याकरण में यही नियम लागू होता है। बहुत से सूत्र हैं जो कि संक्षिप्त में बोले जाते हैं और उनका विस्तार बहुत ज्यादा होता है। इसके अंतर्गत सरल में अनेक रूपों तथा अपवादों की अधिकता थी, परंतु धीरे धीरे आधुनिक भाषाओं तक आते आते नियम बनकर और जो है रूप अधिक कम हो गए तथा अपवादों की भी अधिकता कम हो गई। भाषा चिर परिवर्तनशील है। वस्तुतः भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है, लिखित रूप को उसके पीछे पीछे ही चलता है। लिखित रूप मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, परंतु अनुकरण हमेशा अपूर्ण होता है। इसी कारण भाषा में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। अनुकरण पर शारीरिक तथा मानसिक विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है, जिनकी सूक्ष्म विभिन्नता भी भाषा में परिवर्तन का कारण बन जाती है। इसी के साथ हम देखेंगे कि भाषा के रूप कौन कौन से रूप हो सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं, ध्वनि रूप और लिपि रूप, यानी कि मौखिक रूप और लिखित रूप। रूप अन्य भी होते हैं जैसे सांकेतिक आदि, लेकिन मुख्य रूप यही है मौखिक और लिखित रूप। भाषा का ध्वनि रूप प्रधान है और लिपि रूप गौण है, क्योंकि तो भाषा का सर्वप्रथम ध्वनि या मौखिक रूप ही अस्तित्व में आया था, और भाषा का लिपि या लिखित रूप ध्वनि रूप के पश्चात अस्तित्व में आया। वैसे भी हम दैनिक जीवन में प्रायः रात्रि तक जितना भाषा के ध्वनि रूप का प्रयोग करते हैं, उतना लिपि रूप का प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा की पूर्णता के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। दोनों रूप ही व्यक्ति और समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के लिए इतना ही। इसी का जो पार्ट है, जो कि जैसा कि हमारा टॉपिक है भाषा और समाज, समाज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।